नमस्कार मैं हूँ रमेश भट्ट मैं ये मसूरी के क्यारकुली भट्टा गांव पहुंचा हूं इस गांव को स्मार्ट विलेज कहते हैं और ये गांव स्मार्ट क्यों है ये बताने के लिए यहां की एक बड़ी यंग ग्राम प्रधान मेरे साथ हैं कौशल्या रावत और जब मैं उनसे पूछ रहा था कि आपके विलेज को क्यों स्मार्ट कहा जाता है यहाँ इसलिए कि यहाँ स्मार्ट लोग रहते हैं यहाँ यहाँ स्मार्ट काम कराए गए हैं आइए उनसे जानते हैं ये स्मार्ट विलेज बनाया है तो आपने क्या क्या काम यहाँ पर करवाएं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारी ग्राम पंचायत में आए हैं हमारा जो स्मार्ट विलेज बना है 2019 से पहले जब हम ग्राम प्रधान चुन के आए उससे पहले यहाँ सड़कों की स्थितियाँ काफ़ी खराब थी हमारी सड़कें एकदम दुरुस्त हैं हमने उसके बाद जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से जल दिया है हर घर में हम जब से हर घर में नल से जल पहुंचा है तो लगातार हमारी ग्राम पंचायत में होम स्टे बने हैं और उत्तराखंड का ये इसके बाद ही हमारा ग्राम उत्तराखंड का प्रथम स्मार्ट विलेज बना है और इसके साथ ही हमारे ग्राम पंचायत में जो है बिजली चौबीस घंटे रहती है पानी चौबीस घंटे है जो तो इससे पहले हमारी ग्राम पंचायत में जो नालियाँ थी ग्रे वाटर की खुली थी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा थी लेकिन हमने जल जीवन मिशन के तहत ही अपनी पंचायत की ओर से ये कार्य किए हैं कि हमने जो खुली नालियाँ थी उनको अंडरग्राउंड किया है बीमारियों में कमियाँ आई हैं उसके लिए हमने समय समय पर जाकर हम अपने स्रोतों की टेस्टिंग करते हैं एफटी के हमें मिला है और इसके साथ ही आंगनबाड़ी है हमारी आंगनबाड़ी हमारी आंगनबाड़ी केंद्र है लेकिन भवन एक भी जगह नहीं है था आप मुझे एक बात बताइए सारे ग्राम प्रधानों को ये सुविधा मिलती होगी ना ये तो भारत सरकार उत्तराखंड सरकार की योजनाएं है जिनका आपने उपयोग किया आपने अलग क्या किया मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि अगर आप उन प्रोग्राम्स की ओर ध्यान दें केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजनाओं को अपने गांव में लाएं उन्हें बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करें तो ये बाकी ग्राम प्रधान भी कर सकते हैं अपने गांव में ना बिल्कुल बिल्कुल हर ग्राम प्रधान ये कार्य कर सकते हैं जिस तरह हमने पर हमारे ग्राम पंचायत में एक विशेष बात है कि हमारी ग्राम पंचायत में सारे व्यक्ति एक साथ मतलब एकता बहुत है और उसी के साथ हमने सबको साथ लेकर ये काम किया है ओके okay. आपने आपके यहाँ सब लोग मिलजुल मिल के काम करते, काम करते हैं यानी आपकी इस कामयाबी का जो मंत्र है वो एक जुटता है उत्तराखंडी एक जुट है यहाँ पर दिल और दिल उसका फायदा मिला आपको अब आप मुझे ये बताइए कि ये राजनीति का भाव पहले से था या अचानक आपको मौका मिल गया और एक जो इमेज होती है ना प्रधानपति वो आपके साथ नहीं है ना नहीं ऐसा नहीं है राजनीति का मेरे को पहले से वो नहीं था लेकिन अभी हमें हमारी ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों ने ही हमें उस टाइम मतलब फोर्स किया है कि आप लड़ो आप कुछ कर सकते हो तो हमने फिर लड़े हैं हम जीत के आए हैं पांच कैंडिडेट थे हम सामान्य सीट पे मैं जीत के आई हूँ एक महिला तीन पुरुष थे दो महिलाएं थी और मैं सामान्य सीट पे जीत के आई हूँ और उसके बाद अब प्रधानपति तो ये है कि सहयोग सबको चाहिए साथ में हम चलते हैं दोनों मिलके चलते हैं लेकिन ग्राम प्रधान के तौर पे सभी कार्य में सहभागिता सभी की है ग्राम की, उन्हें अपने गांव की पूरी ताकत के साथ खूब सेवा करनी चाहिए वहाँ विकास करना चाहिए वहाँ के लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना चाहिए जी बिल्कुल मैं तो ये बोलती हूँ की सौभाग्य से ये मौका मिलता है एक बार शायद और उसमें अपना हंड्रेड परसेंट देने की कोशिश करनी चाहिए और मेरा और मेरे पति का यही है कि हम हंड्रेड परसेंट दे दें अपनी ग्राम पंचायत को जो भी केंद्र की सुविधाएं हैं जो भी राज्य की हैं वो हम अपने हर ग्रामवासी तक बस अब मैंने सुना है ज्यादातर लोगों के पास होम स्टे है लोगों लोग आर्थिक तौर पे संपन्न है जी जी बिल्कुल यहाँ पर क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है पूरा तो लगातार यहाँ पर पहले पानी की दिक्कत थी तो होम स्टे बनाने में प्रॉब्लम थी लेकिन अब जब हर घर में पानी पहुंचा है, तो लगातार होम स्टे बने हैं और एक आर्थिकी भी मजबूत हुई है हमारी ग्राम पंचायत की हम्म जी जो 73 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था संविधान संशोधन आया था उसके पीछे उद्देश्य ये था कि डिसेंट्रलाइज करना विकेंद्रीकरण करना और जब राजीव गांधी ने ये बदलाव किया था संविधान संशोधन किया था उसके पीछे सिर्फ ये था कि हमारी ग्राम पंचायतें मजबूत हों हमारी नगर पालिकाएं आर्थिक तौर पर संपन्न हों और कौशल्या जी ने उस भाव को समझा है और अपने इस गांव को उन्होंने सबके साथ मिलकर यूनिटी के साथ स्मार्ट विलेज बनाया है उन्होंने बहुत खूबसूरती से बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की इस स्कीम्स को कैसे बेहतर तरीके से उन्हें इम्प्लीमेंट किया आज मैं देखता हूं कि उत्तराखंड में ज्यादातर ग्राम प्रधान या इस तरह के जो गांव के जनप्रतिनिधि कर्मणा के साथ अपने गांव को बदलेंगे तो एक दिन उत्तराखंड का हर गांव स्मार्ट विलेज बन जाएगा और सोचिए कभी ऐसा हो गया तो हम कितने गर्व के साथ कह सकेंगे कि हम एक ऐसा उत्तराखंड बना रहे हैं जिसके हर गांव स्मार्ट विलेज कहलाते हैं बहरहाल इस गांव की कहानी दिखाने के पीछे मकसद यही था कि जिनको भी मौका मिला है जन सामान्य की सेवा करने का वो ज़्यादातर काम सेवा भाव से करें और मिलकर अपने गांव को आगे बढाएं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए